अस्सलामु अलैकुम सामीन, 16 शवाल मुकर्रम है, 18 मई है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबर का उनवान है, दिल्ली के नायब गवर्नर उपराज्यपाल ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। खबर और तफसीर से सुनिए। दिल्ली के नायब गवर्नर अनिल बेजल ने आज अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा सीधे तौर पर मुल्क के सदर जमहूरिया को भेजा है। ये इस्तीफ़ा अभी चंद घंटे पहले दिया गया है। आमद इतलात में बताया गया है कि उनके दरमियान में और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के दरमियान में, पूरी वजारत के दरमियान में काफ़ी दिनों से रस्साकुशी चल रही है। इसका एक पहलू ये है, बताया जा रहा है कि 1000 बसों के मामले में जाँच की बात बीच में कहीं अटकी हुई है। उससे पहले एक फ़ाइल के बारे में ऐसी बात आई थी और एक फ़ाइल के बारे में ऐसी बात आई थी। लगभग दर्जनों मामले ऐसे हैं जो दोनों के दरमियान में तनाव का बायस बने हुए हैं, लेकिन राज्यपाल ने, गवर्नर, नायब गवर्नर ने ऐसी कोई बात इस्तीफे में नहीं कही है, बल्कि इस्तीफ़ा में कहा गया है कि जाती वजूहात की बिना पर मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ।